नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी जिले में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में लॉकडाउन लगाने के संबंध में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से चर्चा के दौरान उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शासन द्वारा जारी आदेश है, इसके तहत हमारे जिले में भी 30 अप्रैल तक प्रत्येक शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह प्रातः 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रों और उल्लेखित कस्बों में लॉकडाउन रहेगा। कल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति में हुए 9 दिन के लॉकडाउन के निर्णय का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अगर उसे स्वीकृति मिल जाएगी तो जिले में लागू लॉकडाउन को 17 अप्रैल की प्रातः 6 बजे तक लागू कर दिया जाएगा। सर जी, अभी जो लॉकडाउन के लिए आपने आदेश जारी हुआ, सर उस संबंध में सर 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, तो सर इससे जनता पर और कुछ आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, सर इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अभी कल जो कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी जिले में, उस बैठक में माननीय मंत्री जी, सांसद जी और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे। जिले में प्रतिदिन लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हाल में ही 2 दिन पहले शासन की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें शासन ने पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में शुक्रवार की शाम को 6 बजे से और सोमवार के सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था शासन ने की हुई है। उसी के तहत में ये कल बैठक जो आयोजित की गई थी, उसमें शासन की गाइडलाइन से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। सर, इसमें आवागमन के जो साधन है, बस वगैरह, ये सभी बंद रहेगी? लॉकडाउन में तो सभी चीज़ बंद रहेगी, केवल अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको छोड़ करके, जो मैंने आदेश जारी किया हुआ उसमें शासकीय हमारे जो कार्यालय वगैरह हैं उसमें भी लोग, हमारे अधिकारी कर्मचारी आ जा सकेंगे। इसके अलावा दूध का, सब्जी का, फल का, मेडिकल की दुकानों का, मेडिकल से संबंधित जो समस्याएँ, इलाज कराने का जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, इवन बैंक, ATM ये सब खुले रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं में जो भी आती हैं उसमें लोगों को परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा, परंतु उसमें शर्त यही रहेगी कि लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के रूप में अति कम से कम लोग अपने पास में ही कोई सामान खरीदना हो तो खरीद पाएंगे। और इसमें लोगों को ये सुविधा भी हम लोग देने का विचार किया हुआ है कि वो लोग चाहो तो दुकानदारों को फ़ोन करके उनके घर पर यदि कोई डिलीवरी हो जाए तो वो उसमें लोग प्राप्त कर सकेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन का लोग जानबूझ के उल्लंघन करें, तो उसके लिए फिर खुली जेल का प्रावधान भी किया हुआ है, उनको खुली जेल में रखा जाएगा। अभी बेड को लेकर कोई समस्या नहीं है, पूरे जिले में लगभग 85% लोग होम आइसोलेशन में हैं, केवल 11% लोग ही हमारे बेड ऑक्यूपेंसी है। एक साथ में अभी 8-10 हज़ार भी एक्टिव केस हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे पास जिले में अभी 4 नए कन्या परिसर बने हुए हैं, बहुत बड़े आकार में। एक एक कन्या परिसर में 500-500 बेड की व्यवस्था की जा सकती है। बड़वानी में बड़गांव का वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ऐसे ही हमारे राजपुर का है, निवाली का और ठीकरी, ज़्यादा बने हुए लगभग हम 2000 की बेड की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारी पूरी तैयारियां पेशेंट की संख्या के साथ चल रही है, जैसा भी पेशेंट बढ़ेंगे हमारे पास में व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। बड़वानी से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।